गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज़ योर सेकेंड वीडियो फ्रॉम योर चैप्टर नंबर थर्ड फ्रॉम योर ईवीएस बुक, आपकी ईवीएस की बुक का थर्ड चैप्टर। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पहले पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है खाना, हमें खाना क्यों खाना चाहिए और हमें किस किस तरह का खाना खाना चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड पढ़ाया था हमने आपको, वो क्या होता है, किस एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं, राइस, पोटैटो, बटर, स्वीट्स। और हमने आपको बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में बताया था, जिससे हमारी बॉडी और मसल्स, हमारे टीथ और बोन्स स्ट्रांग होते हैं। हमने आपको प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में बताया था, जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। टू स्टे हेल्दी वी शुड टेक ईच काइंड ऑफ फूड दैट गिव अस एनर्जी। हमें हेल्दी रहने के लिए सभी तरह के खाना खाना चाहिए। कौन कौन सा? एनर्जी गिविंग फूड्स भी हमें खाने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी खाने चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड्स भी खाने चाहिए। हमें हेल्दी रहने के लिए सारे खाने खाने चाहिए, सभी तरह का खाना खाना चाहिए। कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हरी सब्जी ना खाओ और फ्रूट्स ना खाओ। जस्ट हरी सब्जी में जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। जंक फूड से हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। जो बच्चे खाते हैं ना मोमोज, चाउमीन, वो सब नहीं खाना चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गई, पोटैटो हो गए, ये सब हमें खाना चाहिए। कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। हमें ये सारा खाना हेल्दी, स्वस्थ रखता है और हमें बढ़ने में मदद करता है। अब हम पढ़ते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स, अच्छी खाने की आदतों के बारे में। ईट ओनली फ्रेश एंड क्लीन फूड, स्टेल फूड इज बैड फॉर योर हेल्थ। मतलब हमें, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें फ्रेश, एकदम फ्रेश और साफ खाना खाना चाहिए। हमें स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान होता है। स्टेल फूड मतलब पैक्ड फूड जो होता है और जो रखा हुआ खाना होता है, वो हमारी हेल्थ के, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हमें खाना फ्रेश खाना चाहिए और साफ खाना खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू लिटिल फूड। हमें बहुत ज़्यादा कम खाना नहीं खाना चाहिए। इट विल मेक यू वीक एंड टायर्ड। हम अगर बहुत ज़्यादा कम खाना खाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, हमें कमज़ोर फीलिंग होगा, कमज़ोर फील होगा, हम थक जाएंगे जल्दी। क्योंकि अगर हम कम खाना खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी काम करने की, और हम कुछ भी काम करेंगे तो हम थक जाएंगे जल्दी। इसलिए हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए और पूरा खाना खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच फूड, इट मे मेक यू सिक। और हमें ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे, पेट भर गया और तब भी हम खा रहे हैं खाना, ज़्यादा खाना खाएंगे तो ये भी हमें, हमारे लिए नुकसान है। अगर हम ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो हमें बीमार कर सकता है, उससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए और कम खाना भी नहीं खाना चाहिए। हमें अपनी भूख के अकॉर्डिंग सही खाना चाहिए खाना। हैव योर मील एट द सेम टाइम एवरी डे। हमें रोज़ाना सेम टाइम पे खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम आज सुबह खा लिया तो कल दोपहर, तो कल हम कभी और खाएंगे, नहीं। हमें दिन में 3 times खाना खाना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट होता है, देन लंच होता है, उसके बाद इवनिंग में आप कुछ खा सकते हो, कुछ भी, और फिर उसके बाद डिनर। तो हमें हर दिन यही रूटीन फॉलो करना है खाने का। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, ऐसे नहीं करना। हमें हर टाइम और हर दिन सेम टाइम पे खाना खाना चाहिए। ईट ऑल काइंड ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटीज। हमें सभी प्रकार का खाना, सभी प्रकार, जितने भी अभी आपको टाइप बताए थे मैंने, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स, सभी खाने खाना चाहिए सही मात्रा में। ईट मील एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद खाना खाना चाहिए, कुछ ना कुछ खाना चाहिए थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए रोजाना। ईट फूड ऑन अ क्लीन प्लेस एंड इन क्लीन प्लेट्स।
हमें खाना कहाँ बिल्कुल साफ जगह पे खाना चाहिए और बिल्कुल साफ प्लेट में खाना खाना चाहिए। अगर हम गंदी प्लेट में खाना खाएंगे तो उसके जो बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जिससे जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे, जो हमारे लिए नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमें खाना बिल्कुल साफ जगह पर और साफ प्लेट में खाना चाहिए। डू नॉट बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। हमें खाना कभी भी गलियों में जो खाना बिकता है ना, जो गलियों में लगाते हैं स्टॉल्स वगैरह, उनसे नहीं खरीदना चाहिए। दिस फूड कलेक्ट्स डस्ट एंड फ्लाइज, इट कैन मेक यू सिक। क्योंकि अगर गली में खाना बन रहा है तो वहाँ पे रोड पे तो फिर डस्ट भी होता है, गंदगी होती है, धूल मिट्टी है और मक्खी वगैरह फ्लाइज वगैरह होती हैं, वो सब वहाँ पे गंद फैलाती हैं। और अगर हम वही खाना खाएंगे तो ये हमें बीमार बना सकते हैं। इसलिए हमें बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए। वॉश योर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग टू रिमूव फूड पीसेस स्टक ऑन द टीथ। हमें खाना खाने के बाद अपना मुंह पानी से धोना चाहिए। खाना खाने के बाद हमें मुंह अपना पानी से धोना चाहिए ताकि जो हमारे दांतों में फूड खाना जो फंस चुका है वो हट सके, जो खाने के जो पीसेस हमारे दांतों में फंस गए हैं वो हट सके। Chew your food well and eat slowly. हमें अपना खाना बिल्कुल अच्छी तरह से चबाना चाहिए और धीरे धीरे खाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से खा के हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। Wash your hands before and after having your meal. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें अपना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। सो क्लास आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ये थर्ड चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है।